विजयदशमी के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर से गोरक्षपीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ की परंपरागत विजय शोभा यात्रा रविवार को श्रद्धा भक्ति और हर्षोल्लास के वातावरण में धूमधाम से निकाली गई। शोभा यात्रा का जगह जगह अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने भव्य स्वागत किया। कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए गोरक्षपीठाधीश्वर व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बंद गाड़ी में सवार होकर शोभा यात्रा में शामिल हुए। गाड़ी के अंदर से ही सड़क के दोनों किनारे पर श्रद्धालुओं का अभिवादन स्वीकार किया। शोभा यात्रा के दौरान मुस्लिम समाज और सिंधी समाज के लोगों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्वागत किया। इस संबंध में गोरखपुरनी से बात करते हुए चौधरी कैफिलवरा और सिंधी समाज के महेंद्र कुमार एलाली ने कहा। बस इशारा में ही बात हो पाई, इसलिए कि शीशा चढ़ा हुआ था। नहीं तो इसके पहले जब भी जाते रहे तो काजी से बात होती थी, माला हमारा लेते थे। और इस बार भी बहुत खुशी मन से उन्होंने हमसे, कोरोना की वजह से वो शीशे में थे, गाड़ी का शीशा नहीं गिरा है और माला लिए हमारा सेट। उनके जो लोग थे वो लोग माला ले करके और फिर महाराज जी कहे ठीक है, स्वागत हमने कर दिया। मैं इंद्र कुमार एलानी, झोलेलाल कमेटी का कोषाध्यक्ष। वर्षों से हमारा सिंधी समाज झोलेलाल जी का जब भी ये दशहरे में गोरखनाथ मंदिर से दिग्विजयनाथ जी के समय से, थाईलैंड महाराज दिग्विजयनाथ सिंह जी हो, अवैधनाथ जी हो, अब योगी आदित्यनाथ जी महाराज, सिंधी समाज हमेशा जब दशहरे का जुलूस निकलता है तो हमेशा से उनका स्वागत झोलेलाल मंदिर पे हम लोग करते आए हैं। उसी परंपरा के अनुसार आज भी हम लोग एकत्रित हुए हैं और उनका स्वागत किया। वो हम लोग को देखते तो बहुत खुश होते हैं। उनका संबंध जो हम लोगों से है वो आत्मीय संबंध है हमारे समाज से। और एक हिंदू समाज की प्रथा है, परंपरा है, वो भी निभाते चले आ रहे हैं, हम लोग भी निभाते चले आ रहे हैं। बात तो आज तो कोरोना चल रहा है तो उस वजह से कोई ज़्यादा बात तो नहीं हो पाई, लेकिन मंदिर में वहाँ जाते हैं तो पूरी उनसे बातचीत होती रहती है, जो भी समस्याएं हैं सुनते हैं और उसका समाधान करते हैं।